दोस्तों आप सबका हार्दिक स्वागत है आपका प्यारा चैनल ए टू जेड स्टडी पॉइंट पर। मैं प्रदीप सर आज हम क्लास लेके आए हुए हैं एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय पर। कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षा के लिए आवश्यक निर्देश हैं, तो वो कौन सा निर्देश है प्यारे दोस्तों, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि वीडियो के अंत तक बने रहें, आपके लिए काफ़ी जानकारी आपके साथ शेयर की जा रही है। तो ESSE 2023 के माध्यम से ये आपका शिक्षण और गैर शिक्षण पदों के लिए भर्ती परीक्षा CBSE द्वारा नीचे दिए कार्यक्रम के अनुसार दिसंबर के महीने में आयोजित की जाएगी और ये परीक्षा आपका ऑफलाइन मोड पर होगा, मार्कशीट पर आधारित होगी। प्यारे दोस्तों, प्यारे शिक्षकगण, आपसे रिक्वेस्ट है अगर किसी तरह की कोई असुविधा हो तो जरूर से जरूर कमेंट करें। आपको बता दें कि प्रधानाचार्य के लिए 16 दिसंबर को एग्जाम होगी सुबह प्रथम पाली में, और PGT टीचर के लिए 16 दिसंबर को एग्जाम होगी शाम के टाइम में, और छात्रावास वार्डन के लिए आपका एग्जाम होगी दोस्तों 17 दिसंबर को सुबह में होंगे, और कनिष्ठ सचिवालय के लिए 17 दिसंबर को शाम में एग्जाम होगी, और लैब अटेंड के लिए 23 दिसंबर को सुबह में एग्जाम होगी, और TGT के लिए 23 दिसंबर शाम में एग्जाम होगी दोस्तों, और TGT विविध के लिए 24 दिसंबर को सुबह में एग्जाम होगी, और मुनीम के लिए 24 दिसंबर को शाम में एग्जाम होगी। टिप्पणी में बात करें, उम्मीदवारों को आमंत्रित परीक्षा शहर में उनके आवेदन लॉगिन में प्रदर्शित किया गया है, क्योंकि भोपाल, हैदराबाद, जयपुर, लखनऊ और विजयवाड़ा में उम्मीदवारों की संख्या अधिक है, इसलिए कुछ परीक्षा केंद्र संबंधित राज्य के नज़दीकी शहरों में स्थापित किए गए हैं। तदनुसार कुछ उम्मीदवार जिन्हें इन परीक्षा शहरों को चुना था को परीक्षा के लिए नए पहचाने गए शहरों परीक्षा केंद्र पर आवंटित किया गया है। तो दोस्तों, परीक्षा शहर बदलने से अनुरोध पर किसी भी स्थिति पर विचार नहीं किया जाएगा, यानी जो सेंटर आपको दिया गया वही रहेगा, और आमंत्रित परीक्षा शहर परीक्षा की तारीख देखने के लिए निम्नलिखित लिंक का उपयोग आप कर सकते हैं। तो ये देख रहे प्रिंसिपल के लिए आप देखना चाह रहे हैं कहाँ सेंटर है, तो इस पर क्लिक करेंगे, एडमिट कार्ड आपका आ जाएगा इसमें, और पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, और यहाँ पर बात करें गैर शिक्षण पदों के लिए यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, और यहाँ प्रशिक्षित ग्रेजुएशन टीचर के लिए इस पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर बात करें वार्डन हॉस्टल के लिए इस पर क्लिक करेंगे दोस्तों, तो आपके पास इंटरफेस होल्ड के क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर इसको क्लिक करते हैं। जैसे ही इस पर दोस्तों क्लिक करते हैं तो आपके पास इस तरह से इंटरफेस खुल के आता है, और यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि लॉग इन थ्रू एप्लीकेशन नंबर एंड डेट ऑफ बर्थ, यानी यहाँ पर आप अपना एप्लीकेशन नंबर को डालिए, यहाँ अपना डेट ऑफ बर्थ को डालिए, और यहाँ आपका सिक्योरिटी कोड है इस पर डालिए, और सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके पास सारी नोटिफिकेशन आपको दोस्तों आ जाएगी। अगर आपको चयन करने में देखने में कोई असुविधा हो रही है तो जरूर से जरूर कमेंट करें। दोस्तों, आज का क्लास कैसा रहा जरूर से जरूर बताएं। इस तरह दोस्तों आप दूसरे का भी इस तरह देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर देखें हॉस्टन वार्डर का देखें आप देख सकते हैं, प्रशिक्षित स्नातक का भी आप यहाँ देख सकते हैं, और गैर शिक्षण पदों के लिए भी यहाँ पर आकर देख सकते हैं। तो इस तरह जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से इंटरफेस खुल के आ जाएगा, और यहाँ भी आप अपना एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, कैप्चा कोड डाल के आप अच्छी तरह से इसको भरकर देख सकते हैं। प्यारे दोस्तों, उम्मीद है आज का नोटिफिकेशन आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहा होगा। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।